मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए नमो अरि हंता नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोए सविसाहुडम मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ प्रारंभ करते हैं मैं ज्ञान स्वभावी हूँ मैं ज्ञान स्वभावी हूँ मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पर की मुझे में कुछ गंध नहीं मैं अरस आरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला मैं हूँ अखंड चैतन्य पेंड निज रस में रमने वाला मैं ही मेरा करता धरता मुझ में पर का कुछ काम नहीं मैं मुझ में रहने वाला पर में मेरा विश्राम नहीं मैं शुद्ध बुद्ध अविरोध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ इस प्रकार हमने यहाँ पे मैं ज्ञानानंद स्वभावियों का पाठ पूर्ण किया पिछली कुछ कक्षाओं में हमने एक पाठ प्रारंभ किया था जिसका नाम था गुणस्थान दो कक्षाएं मैंने ली थी दो कक्षाएं संयम जी ने ली थी खमिया धाना वालों ने तो हमने कुछ बात बराबर पता लगी कि छठवें गुणस्थान तक हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी है हमें सातवें गुणस्थान और सातवें गुणस्थान से आगे के गुणस्थान बराबर समझने हैं तो मैं जहां तक समझता हूँ कि हम सभी को कुछ ना कुछ गुणस्थान के विषय में याद होगा कि आखिर गुणस्थान कहते किसे हैं। तो हमें ये चीज पता है कि मोह और योग के निमित्त से जो उत्पन्न होने वाली जो जीव की श्रद्धा व चारित्र गुणों की जो तारतम्य रूप अवस्था होती है उसको गुणस्थान कहा जाता है ये परिभाषा हमने सबसे पहले दिन याद की थी कि आखिर गुणस्थान होता क्या है तो दो बातें निकल कर आई थी कि एक तो मोह और योग का निमित्त चाहिए जीव के दो गुणों को देखा जाएगा एक होगा श्रद्धा गुण एक होगा चारित्र गुण और इन गुणों में तारतम्य रूप अवस्था अर्थात हीना दिक अवस्था जो बराबर चलती रहती है उसी को गुणस्थान कहा जाता है बहुत सारी बातें हमने सभी गुणस्थानों के बारे में देखी थी गुणस्थान चौदह होते हैं जिनमें से छह गुणस्थानों की हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी किसी का कोई प्रश्न गुणस्थान संबंधित जो अभी तक हमने पढ़ा है तो बराबर पूछ सकते हैं नहीं तो हम विषय को थोड़ा और आगे बराबर बढ़ाते हैं हमने जितनी मैंने चर्चा की थी तो हमने तीसरे गुणस्थान तक चर्चा पूर्ण की थी दूसरे गुणस्थान तक चर्चा पूर्ण की थी तीसरा गुणस्थान आप लोगों ने देखा होगा जिसका नाम था सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान जिसको मिश्र गुणस्थान भी कहा जाता है यहाँ पे सम्यक की अवस्था भी रहती है यहाँ पे मिथ्यात्व की अवस्था भी रहती है इसीलिए इसका नाम मिश्र गुणस्थान कहा जाता है जैसे दूसरा गुणस्थान पहले दूसरे चढ़ते क्रम में नहीं आता ऐसे ये तीसरा गुणस्थान भी चढ़ने के क्रम में नहीं आता नीचे गिरने के क्रम में बराबर आता है ऐसी एक गुणस्थान हमने देखा जिसका नाम था चौथा गुणस्थान जिसका नाम है अविरत सम्यक्त्व गुणस्थान क्या है ये चौथा गुणस्थान एक तरीके से यही वो चौथा गुणस्थान है जहां से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है अर्थात कोई जीव अगर कदम रखता है तो सबसे पहले इस चौथे गुणस्थान के अंदर बराबर रखता है Osionfish. एक तरीके से अब उसका संसार में रहते हुए भी अब वो संसार में नहीं है क्यों क्योंकि अब उसे सम्यक की प्राप्ति हो चुकी है नाम से ही पता लग रहा है कि सम्यक की प्राप्ति हुई है लेकिन अभी अविरत है अविरत है अर्थात व्रत से रहित है विरत माने व्रत और अमाने नहीं तो व्रत से रहित है जो विरत नहीं है अर्थात व्रतों का जिसका अभी त्याग है ऐसे जीव को जो सम्यक्त से सहित है वो चौथे गुणस्थान में बराबर रहता है कई बार हमें ऐसा लगता है कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव तो ऐसे ही बराबर होंगे नहीं उनके भी कुछ ना कुछ नियमावली होती है अन्याय के त्यागी तो वे भी होते हैं आप सभी से अनुरोध अगर अपना कैमरा आप खोल सके तो जरूर ओपन करके बैठे जिससे मुझे पता लगे कि मेरी बात कितने आप लोगों तक पहुंच रही है क्या बात बता रहा था मैं हम बात कर रहे थे कि अन्याय अनीति अनिति और अभक्ष इन तीन चीजों का त्यागी तो चौथे गुणस्थान वर्ती जीव भी होता है लेकिन हम कोई कहें कि बहुत ज्यादा नियम बराबर हो तो अभी उसकी ऐसी भूमिका नहीं है जैसे भरत जी घर में ही वैरागी अब भरत जी घर में ही वैरागी तो वो कौन से वैरागी हैं तो अभी उनके चौथे गुणस्थान की हम बात बराबर कर रहे हैं देखा जाएगा तो जो सम्यक्त नाम की वस्तु है सम्यक्त नाम का जो हमारे में गुण है वो तो इंटरनल है अगर बाहर में किसी को कुछ दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है चारित्र वो भी व्यवहार चारित्र मतलब सम्यक्त तो अपनी इंटरनल चीज है कि हमारी श्रद्धा कैसी है श्रद्धा किसी को दिखाई नहीं देती है लेकिन अगर कुछ दिखाई देता है तो बाहर से लोगों का हमें आचरण दिखाई देता है चौथे गुणस्थान की चौथे गुणस्थान वर्ती जीव की भूमिका ऐसी है कि बाहर से आप देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये सम्यक दृष्टि जीव भी है क्यों क्योंकि बाहर तो अविरत है ना बाहर किसी प्रकार के व्रत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी अंतरंग में सम्यक्त की लहर हर समय दौड़ती रहती है वो भी मोक्ष मार्ग में ही स्थित है इसीलिए यहाँ पे सम्यक्त गुणस्थान की संज्ञा बराबर इसको दी गई है ऐसे ही ये पांचवा गुणस्थान जिसका नाम क्या है देश विरत गुणस्थान जैसे हमने एक बार जब हमने पंचम गुणस्थान वर्ती जीव के बारह व्रत पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के व्रत एक होते हैं सकल व्रत एक होते हैं देश व्रत जहां पे सकल चारित्र और देश चारित्र के नाम से भी हमने इसको देखा था तो देश विरत देश माने होता है एक देश अर्थात कुछ अंश में कुछ अंश में क्या कुछ अंश में व्रत अर्थात व्रत अभी कुछ अंश में तो व्रत है और कुछ अंश में व्रत नहीं है इसीलिए इसके बहुत सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे विरत अर्थात जहां पे व्रत है भी और व्रत है भी नहीं जितने अंश में व्रत है उसकी अपेक्षा व्रती है जिसकी जिस अंश में अभी व्रत नहीं है उतने अंश में अविरत है ऐसी संयम असयम संयम भी है और असंयम भी है देश चारित्र देश संयम अणुव्रति प्रतिमाधारी श्रावक ऐसे बहुत सारे इसके नाम हमें बराबर मिलते हैं अगर इस देश व्रत गुणस्थान की बात की जाए तो यहाँ पे किस कषाय का अभाव होता है चौथे गुणस्थान में तो अप अनंतानुबंधी कषाय का अभाव था इस पंचम गुणस्थान में अनंतानुबंधी के साथ साथ अप्रत्याख्याना का भी अभाव है अब दो कषाय का अभाव है तो दो कषाय के अभाव पूर्वक तो व्रत है लेकिन अभी दो कषाय शेष है उसकी अपेक्षा अभी अविरत है ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए ये वो सारा विषय है जो आप सभी पहले देखकर आ चुके हैं मैं मात्र रिवीजन कर रहा हूं जिससे हमारा सारा विषय क्लियर हो जाए फिर आता है छठवा गुणस्थान जिसका नाम है प्रमत विरत जिसको प्रमथ संयत गुणस्थान भी कहा जाता है शब्दों से हमें समझ में आना चाहिए प्रमथ माने क्या होता है प्रमथ मतलब होता है प्रमाद प्रमत माने होता है प्रमाद जहां पे प्रमाद है साथ साथ में विरत अर्थात व्रत भी बराबर है और ये ऐसे व्रत हैं जो पूर्ण व्रत हैं पंचम गुणस्थान में तो अंश में थे पंचम गुणस्थान में तो एक देश में थे लेकिन यहाँ पे जो व्रत होते हैं वो सकल देश में होते हैं अर्थात सकल चारित्र बराबर यहाँ पर रहता है इसका नाम है प्रमत विरत गुणस्थान अगर आपको कुछ थोड़ी नई नॉलेज अगर आपको मिले तो देखना आप यहाँ पे जो प्रमत शब्द है ना ये प्रमत शब्द यहाँ पर अंत दीपक का, का काम करता है कौन से दीपक का, का काम करता है अंत दीपक का काम करता है ये आप सभी को पता है अंत दीपक क्या होता है हमने बहुत पहले भी बहुत बार देखा है कि अंत दीपक किसे कहते हैं एक होता है आदि दीपक एक होता है मध्य दीपक और एक होता है अंत दीपक अब आदि दीपक क्या होता है जैसे कि अगर हमने कम, हमारे पूरे कमरे में अंधेरा है तो हमने अगर स्टार्टिंग कमरे में हमने एक लाइट जला दी तो रोशनी बीच में होगी या नहीं होगी बीच में भी होगी आखिरी में रोशनी होगी या नहीं होगी आखिरी में भी रोशनी होगी मतलब आदि दीपक स्टार्टिंग में हमने दीपक रखा लेकिन प्रकाश हर जगह फैलेगा ऐसे मध्य दीपक मध्य में अगर हमने कमरों कमरे के बीचों बीच दीपक जलाकर रखा है तो बताओ कमरे के कोने में उजाला पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा पहुंचेगा ऐसी अंत दीपक अगर हमने कमरे के बिल्कुल एंड में दीपक रखा है तो बताओ स्टार्टिंग में रोशनी उसकी आएगी या नहीं आएगी आएगी हर जगह प्रकाशित होगा ऐसे जो ये शब्द है ना गुणस्थान का नाम प्रमत विरत ये जो प्रमत्त शब्द है वो अंत दीपक है अर्थात छठवें गुणस्थान तक सभी के सभी गुणस्थान प्रमाद सहित पाए जाते हैं इसका मतलब कि आगे के जो भी गुणस्थान है वो प्रमाद से रहित है पॉइंट टू बी नोटेड क्या कहा फिर से रिपीट करता हूं शब्द यहां पर क्या है प्रमत विरत तो जो प्रमथ शब्द यहाँ पर हमें दिख रहा है वो प्रमथ शब्द कैसा है अंत दीपक है अर्थात पहले से लेके छठवे गुणस्थान तक सभी के सभी गुणस्थान कैसे हैं प्रमाद सहित है क्योंकि अंत दीपक है एक और इसमें बात समझ लो गुणस्थान का नाम बहुत बड़ा हो जाता इसीलिए हमारे आचार्यों ने बार बार हर गुणस्थान के नाम में प्रमाद नहीं जोड़ा अंत में लिख दिया और अंत से हमें समझना चाहिए कि हर गुणस्थान के नाम में प्रमाद लगा हुआ है जैसे हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमोकार मंत्र में आखिरी में पढ़ते हैं नमो लोए सब साहुम कि लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो लेकिन जब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो लेकिन नमो अरिहंताणम में तो लोए सब शब्द है ही नहीं 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 है अंत में है बार बार नहीं लिखा जाएगा रिपीटेशन नहीं की जाएगी रिपीटेशन एक तरीके से दोष होता है पुनरावृत्ति कि बार बार आप एक ही चीज को बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो तो हमारे आचार्यों ने ऐसा नहीं किया अंत में कर दिया तो ये कौन सा है प्रमत विरत नाम का गुणस्थान जिसको हम छठवा गुणस्थान भी बराबर कहते हैं इसके बारे में भी आपने पिछली कक्षा में बराबर देखा होगा हमें आज बात करनी है एक सेकेंड हमें आज बात करनी है सातवें गुणस्थान से आइए इस विषय को हम यहां से प्रारंभ करते हैं सातवा गुणस्थान जिसका नाम है अप्रमत विरत या अप्रमत संयत ऐसा गुणस्थान का नाम बराबर हमें यहाँ पर मिलता है जैसे मैंने प्रमत संयत में प्रमत शब्द को अंत दीपक कहा था यहाँ पर अप्रमत शब्द आदि दीपक का काम करता है अर्थात यहां से लेकर आगे तक जितने गुणस्थान पाए जाएंगे वो सब प्रमाद से रहित ही होंगे प्रमाद क्या होता है तो प्रमाद का मतलब मात्र आलस नहीं होता अगर हमें देखना हो तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में अंतिम प्रश्नों के अंदर प्रमाद के भेद बताए हैं जहाँ पे पंद्रह प्रकार के प्रमाद बताए हैं आप वहां से इस विषय को बराबर देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रमाद बराबर होते हैं हमें लग रहा है कि अभी इस अवस्था में हम अभी कक्षा सुन रहे हैं तो कक्षा सुनते वक्त हम प्रमादी हैं या नहीं है हम अभी भी प्रमादी हैं प्रमाद का मतलब ये नहीं होता कि जो बिस्तर में लेटा है वो तो प्रमादी है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो हम प्रमादी नहीं है नहीं जब तक ये जीव अपनी आत्मा में रमण नहीं करता तब तक ये जीव प्रमादी ही है क्या कहा जब तक ये जीव अपनी आत्मा में रमण नहीं करता तब तक जीव प्रमादी ही है इसका मतलब सातवें गुणस्थान में जीव अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं तभी तो यहाँ पे अप्रमत शब्द लिखा है देखो गुणस्थान का परिचय देखते हैं क्या लिखा है सातवें गुणस्थान के संदर्भ में सातवें गुणस्थान का नाम अप्रमत विरत अप्रमत संयत है अब यह संयत शब्द तो आगे तक चलता रहेगा क्योंकि पहले के गुणस्थान में भी संयम था और अब आगे भी संयम तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। संयम मार्ग का यह प्रथम गुणस्थान है संयम मार्ग का क्या पहले संयम नहीं था अरे पहले भी संयम था लेकिन ये संयम मार्ग का पहला गुणस्थान है कैसे है आगे बताएंगे देखिए अर्थात जब मनुष्य सम्यक्त सहित संयम को धारण करता है तब सबसे पहले सातवा गुणस्थान होता है Point to be noted. क्या जब मनुष्य सहित संयम को धारण करता है तब सबसे पहले सातवा गुणस्थान होता है पांचवें गुणस्थान में तो संयमा संयम था विरता विरत था अर्थात व्रत था भी व्रत था भी नहीं पांचवें गुणस्थान में तो संयम था भी संयम था भी नहीं अब पांचवे गुणस्थान से छठवे गुणस्थान में नहीं जाया जाता पांचवे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाया जाता है फिर सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आया जाता है फिर सातवें छठवें सातवें छठवे ऐसे असंख्यात बार जब कोई जीव करता है तो फिर जाके आठवें गुणस्थान में प्रवेश करता है ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया क्या कहा जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो स्टेयर्स चढ़ते वक्त पांचवे से छठवे पे नहीं चढ़ा जाएगा पांचवे से सातवे पे चढ़ा जाएगा इसीलिए कह रहे हैं कि संयम को धारण करने वाला ये पहला गुणस्थान है क्योंकि अभी पांचवे गुणस्थान में तो संयम सहीम संयम था अब पांचवे से सातवे में आए हैं तो अब सबसे पहला जो गुणस्थान में प्रवेश किया वो है सातवा गुणस्थान जो कि सम्यक्त सहित है और सीधी सी बात है छठे सातवा गुणस्थान अगर किसी को होगा तो वे मनुष्य गति के ही होंगे और किसी गति के नहीं होंगे तो जब मनुष्य सहित संयम को धारण करता है तब सबसे पहले सातवा गुणस्थान होता है प्रियंका जी आपका कोई प्रश्न हाँ मतलब ऐसा क्यों छठवे में क्यों नहीं छठवे में क्यों नहीं क्योंकि छठवे गुणस्थान का जो तो स्वरूप है वो नीचे गिरने वाला है मतलब क्या पांचवे से सातवें में जाएंगे फिर सातवें से छठवें आएंगे जैसे कोई जीव पांचवे गुणस्थान में है और पांचवे गुणस्थान में जीव अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है पॉइंट पकड़ना बराबर कोई जीव हाँ। अपनी आत्मा का अनुभव करता जा रहा है करता जा रहा है तो अभी तक तो पांचवे गुणस्थान में दो कशाय चौकड़ी का अभाव था लेकिन अपनी आत्मा में रमण करते करते ही तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो ध्यान की अवस्था होती है वो सातवें गुणस्थान में ही बनती है छठवें गुणस्थान में नहीं बनती क्यों क्योंकि छठवा गुणस्थान तो शुभोपयोग का गुणस्थान है और जो सातवां गुणस्थान है वो शुद्धोपयोग का गुणस्थान है शुद्धोपयोग माने अपनी आत्मा <सथ> की रमणता अभी पांचवें गुणस्थान से अगर हमें अपना स्टेप आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा अपनी आत्मा की रमणता करनी पड़ेगी और छठवें गुणस्थान में आत्मा की रमणता नहीं होती है छठवें गुणस्थान में तो शुभोपयोग होता है शुभोपयोग माने अट्ठाईस मूल गुणों का पालन होता है अब जब कोई जीव पांचवे अच्छा। गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाते हैं फिर सातवें गुणस्थान में जब उनका अपनी आत्मा में उपयोग टिकता नहीं है तो जाके छठे गुणस्थान में आते हैं अच्छा और फिर जब छठवें तो, गुणस्थान में बताइए

तक टिकता तो है नहीं उपयोग बहुत चंचल है तो अपनी आत्मा से जब बाहर आता है तो फिर छठवा गुणस्थान हो जाता है फिर प्रयास करते हैं तो फिर सातवें सातवें गुणस्थान 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 पे चल देते हैं में जब फिर फिर उपयोग नहीं टिक पाता छठवें में बराबर आ जाते हैं तभी आपने कभी कोई प्रवचन सभाओं में या प्रवचनों में सुना होगा कि हमारे मुनिराज तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं तो छठा सातवा गुणस्थान कोई झूला होगा ऐसा नहीं है परिणामों का झूला है परिणाम अपनी आत्मा में टिकते हैं तो सातवां गुणस्थान अपनी आत्मा में नहीं टिकते तो छठवां गुणस्थान में आ जाते हैं ऐसा बताइए अब और अगर फिर और जैसे और अभाव हुआ तो फिर तो लाइक छठवा पांचवा चौथा फिर तो ऐसा ही होता है ना अगर फिर वो पहले गुणस्थान तक भी आ सकते हाँ जी अगर क्या है कि अगर सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आए और छठवे गुणस्थान में भी अंतर मुहूर्त काल से ज्यादा रुक गए तो गारंटीड गुणस्थान नीचे गिरेगा ही गिरेगा ही अच्छा। मतलब अपने उपयोग को टिकाने के लिए कि बारंबार आत्मा में ही लगा रहे इसका प्रयास हर समय चलता रहता है क्योंकि अगर अंतर मुहूर्त से ज्यादा काल हो गया अब परिणाम आपका एक जैसा नहीं रहेगा फिर आपका परिणाम नीचे गिर जाएंगे हो सकता है पांचवे में आ जाए हो सकता है और नीचे चौथे तो गुणस्थान में भी चले जाए और पहले में भी बराबर जा सकते हैं परिणामों का तो खेल है सारा इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने बार बार लिखा है कि अपनी परिणामों की संभाल करो ये परिणाम ऐसी चीज है कि कब सातवें से छठवें गुणस्थान में बराबर आ जाते हैं अरे ग्यारहवें गुणस्थान से जीव नीचे चित होकर पहले गुणस्थान तक बराबर पहुंच जाते हैं इसीलिए कह रहे हैं कि अपनी परिणामों की संभाल हमें कैसे करनी है हम तो सातवें गुणस्थान की यहाँ पे बात कर रहे हैं लिखा कि जब मनुष्य सम्यक्त सहित संयम को धारण करता है तब सबसे पहला सातवां गुणस्थान होता है ध्यान अवस्था का गुणस्थान होने से यह निवृत्ति रूप है कैसे रूप है निवृत्ति रूप है क्योंकि अब यहां से ध्यान प्रारंभ हो चुका है अभी छठवें गुणस्थान में ध्यान नहीं था पांचवें गुणस्थान में ध्यान था लेकिन उसकी भूमिका के अनुसार था लेकिन अब ध्यान अवस्था प्रारंभ हो चुकी है अर्थात अब बाहर का कोई काम है ही नहीं अब तो मात्र अपनी आत्मा में ही रहेंगे तो ये निवृत्ति रूप है कुछ करना नहीं है हम बार बार एक चीज कहते हैं दादा जब भी प्रवचन करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जैन दर्शन क्या है कुछ नहीं करने का नाम जैन दर्शन है हाथ पे हाथ रख के बैठने का नाम जैन दर्शन है मतलब निवृत्ति किसी प्रकार का कोई काम करना ही नहीं है अच्छा निवृत्ति जी शब्द जब आता है ना तो जब गवर्नमेंट से कोई रिटायर होता है या कोई कहीं से भी रिटायर होता है तो उसको भी निवृत्ति मिलती है कि भैया अब तुम्हारी निवृत्ति है अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है लेकिन निवृत्ति मिली होने के बावजूद भी क्या वो व्यक्ति फ्री हो जाता है जो व्यक्ति साठ साल में रिटायर हुआ या पचपन साल में रिटायर हुआ उसके बाद भी उसे लगता है कुछ ना कुछ हमें करना है कुछ ना कुछ करना है लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं करना मात्र अपनी आत्मा का अनुभव करना सामान्य अर्थ देखते हैं शब्दों के माध्यम से अ प्लस प्र प्लस मत प्लस विरत शब्द क्या है अप्रमत संयत जो प्रमाद रहित तथा संयम सहित होता है वह अप्रमत विरत या अप्रमत संयत होता है मतलब गुणस्थान के नाम से ही समझाया गया कुछ नई चीज इसमें नहीं है बहुत इजी है अगर हमें चौदह गुणस्थानों के नाम याद हो जाते हैं तो समझिए कि हमें सभी गुणस्थानों की परिभाषा भी याद हो जाती है स्वरूप में क्या लिखा देखिए जब संजलन कषाय का मंद उदय होता है तब सकल संयम से युक्त मुनि के किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होता है अतः इसे अप्रमत विरत गुणस्थान कहते हैं क्या लिखा जब संजलन कषाय और नो कषाय का मंद उदय होता है मंद उदय छठवें गुणस्थान में अगर आप जाके देखेंगे तो छठवे गुणस्थान के बारे में यहाँ पे लिखा होगा कि इसके अंदर कैसा होता है तीव्र उदय होता है संजलन कषाय का और नो कषाय का तीव्र उदय होता है छठवे गुणस्थान में लेकिन सातवें गुणस्थान में अब इसी संजलन कषाय का और नौ नो कषाय का मंद उदय होता है नो no कषाय क्या होती है ये नो कषाय है नो नो मतलब अगर इंग्लिश में एनो वाला लिखोगे तो ये हिंदी में नौ नहीं लिखा ही है. उस पे तो अव की डबल की मात्रा होती है ये नौ लिखा नौ मतलब क्या होता है नौ मतलब होता है इक्षत इक्षत माने क्या होता है कम अर्थात कम कषाय को नो कषाय कहा जाता है और ये नो कषाय संख्या में नौ होती है नौ कषाय संख्या में नौ होती है कोई ये ना कहे कि नो कषाय मतलब नौ कषाय नहीं इधर जो शब्द लिखा है नो कषाय तो नो का मतलब इधर क्या है इक्षत इक्षत माने होता है कम और कम कषाय कौन सी होती है तो बता रखा है हमारे शास्त्रों में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद ये सब नो कषाय बराबर यहाँ पे तो लिख रहे हैं कि जब संजलन कषाय का और नो कषाय का मंद उदय होता है तब सकल संयम से युक्त मुनि के किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होता किसी भी तरह का प्रमाद नहीं होता इसीलिए गुणस्थान का नाम अप्रमत है गुणस्थान का नाम क्या है अप्रमत जहाँ पे प्रमाद है ही नहीं और जहाँ पे व्रत सहित है उसको ही अप्रमत विरत गुणस्थान कहते हैं अब देखिए बाहर में कोई कहे कि इनके ऐसे कौन से व्रतों का पालन हो रहा है बहुत बहुत सूक्ष्म बिंदु है हमें लगता है कि बस बाहर में ही व्रतों का पालन होता है अठाईस मूल गुणों का ही पालन हो रहा है जिस समय मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होते हैं उस समय में भी वे व्रती हैं, और व्रती होने के बावजूद भी वे जैसे अट्ठाईस मूल गुणों का पालन कोई छठवें गुण जीव कर रहे होंगे वैसे नहीं करते हैं हमारे बाहुबली भगवान एक साल तक जिन्होंने कठिन तपस्या की जिनके ऊपर बेले भी चढ़ गई अब बताइए वे व्रती है या नहीं है? है।, है भरत जी के बारे में भरत जी ने अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा का कल्याण किया अर्थात अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने सारे के सारे गुणस्थान नाप लिए क्योंकि ध्यान का चमत्कार है अपना ध्यान अपनी आत्मा में अंतर मुहूर्त काल तक टिका रह जाए तो ये चौदह गुणस्थान तो अंतर मुहूर्त में पार हो जाते हैं अब बताइए उन्होंने कितने व्रतों का पालन किया होगा अंतर्मूर्त के काल में कितने अट्ठाइस मूल गुणों का पालन किया होगा मैं ये नहीं कह रहा कि अट्ठाइस मूल गुणों का पालन नहीं किया होगा लेकिन अट्ठाईस मूल गुणों के पालन की उनको आवश्यकता ही कितनी पड़ी लेकिन उसके बावजूद भी वे व्रती हैं मतलब व्रत का मतलब हम बाहर में समझते हैं कि मात्र अट्ठाईस मूल गुणों का पालन ही व्रत होगा अरे नहीं भैया सातवें गुणस्थानवर्ती जीव के गुणस्थान में भी अप्रमत अप्रमतवित शब्द है व्रत 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 माने व्रत सहित हैं और बाहर में ऐसे भी व्रत हमें करते दिखाई नहीं देंगे बोलिए प्रियंका जी भैया तो एक ही पर्याय में भी चौदह गुणस्थान क्रॉस करे जा सकते एक, एक ही पर्याय में या तो कई कई पर्याय लग जाते कई पर्याय पर क्योंकि पर्याय तो एक समय की होती है अच्छा एक समय में 14 गुणस्थान पार नहीं होंगे जैसे अभी अपन है तो हो सकती है अच्छा मतलब प्रत्येक गुणस्थान का काल भी अंतर्मूर्त हम कह सकते हैं और अगर कोई पुरुषार्थी जीव हो तो वो चौदह के चौदह गुणस्थानों को अंतरमूर्त के काल में भी पूर्ण कर सकता है ये तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है हम पुरुषार्थ करते नहीं है हम कोशिश ही नहीं करते हैं हमें लगता है हो जाएगा हो जाएगा हमारी गो टू नेचर है चलता रहता चलता रहता लेकिन करना चाहे तो सब कुछ अंतर्मूर्त के समय में हो सकता है जैसा भी ये ये भाव ये भाव है तो इस भाव में नहीं हो सकते मतलब करना चाहें तो, तो इस भाव में तो सीमा है ना पंचम काल के अंदर तो मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं है लेकिन छठे हाँ, हाँ, हाँ। सातवें गुणस्थान तक पुरुष पहुंच सकते हैं और महिलाएं का उत्कृष्ट पंचम गुणस्थान है वो पंचम गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं इस पंचम काल में अगर ये सब कुछ पूरा करना है तो उसके लिए चौथा काल है और विदे क्षेत्र में तो हर समय चौथा अच्छा। का रहता है तो वहां पे तो ही पॉसिबल है ही ये सब चीजें देखिए इसी को थोड़ा और बराबर समझते हैं इसी सातवें गुणस्थान अब क्या है कि अब सातवा गुणस्थान वास्तव में बहुत बड़ी एक तरीके से भूमिका है इसी सातवें गुणस्थान को दो रूपों में बांटा जाता है एक कहा जाता है स्वस्थान और एक कहा जाता है सात क्या कहा जाता है स्वस्थान और सात स्वस्थान क्या होता है और सात क्या होता है स्वस्थान होता है कि जो मुनिराज सातवें छठवें सातवें छठवें सातवें छठवें गुणस्थान में ही झूलते रहते हैं अर्थात अपने ही स्वस्थान में रहते हैं स्वस्थान अपने ही स्थान में सातवा छठवा सातवा छठवा सातवा छठवा ऐसा गुणस्थान मतलब परिणामों में ऐसी चीजें चलती रहती हैं तो वो तो किस में चले जाते हैं वो चले जाते हैं स्वस्थान में शब्दों से समझ में आएगा स्वस्थान अपने ही स्थान में अर्थात वो गुणस्थान में आगे नहीं बढ़ते और एक होते हैं सातिशय सातिशय का मतलब क्या होता है अतिशय सहित मतलब जहां पर श्रेणी चढ़ी जाएगी श्रेणी चढ़ी जाएगी मतलब अब परिणामों की विशुद्धि और बढ़ जाएगी परिणामों की शुद्धि का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे परिणामों की शुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कशाएं भी धीरे धीरे कम होती जाएंगी कषाएं कम हो रही हैं और आत्मा की शुद्धि बढ़ती जा रही है अर्थात अब मुनिराज यहाँ पे श्रेणी चढ़ेंगे <स्वण> श्रेणी चढ़ेंगे मतलब क्या एक इमेजिनरी चीजें हैं कि जैसे मुनिराज के सामने दो ऑप्शन आते हैं साथीशे के अंदर की एक है उपशम श्रेणी और एक है हमारे पास शपक श्रेणी क्या ये मैं आपको इमेजिन इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जा रहा हूं कि आप समझिए कॉन्सेप्ट को उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में क्या होता है दो चीजें हैं कि जब मुनिराज का पुरुषार्थ बहुत तीव्र होता है तो मुनिराज अब श्रेणी चढ़ते हैं अर्थात आगे के गुणस्थानों में कदम रखते हैं तो आगे के गुणस्थानों में कदम रखते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है ये कथन है बस दो ऑप्शन है वैसे उनको कुछ पता नहीं है कि दो ऑप्शन है समझाने के तरीके में मैं कैसे समझाऊं ये कथन शैली है कि उनके पास दो ऑप्शन है एक होती है उपशम श्रेणी और एक होती है शपक श्रेणी रियलिटी में उनके पास कोई ऐसे सामने ऑप्शन नहीं आता कि आप कौन सी श्रेणी छोड़ोगे आप शपक श्रेणी छोड़ोगे या उपशम श्रेणी छोड़ोगे ऐसा ऑप्शन नहीं है उनके पास समझने के लिए है कि दो ऑप्शन है उपशम या शपक श्रेणी तो उपशम श्रेणी के भी चार गुणस्थान है और शपक श्रेणी के भी चार गुणस्थान है शब्दों से समझ में आना चाहिए मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा लेकिन थोड़ा हम लोग भी ब्रेन स्ट्रोंग करें थोड़ा हम लोग भी अपना दिमाग चलाएं तो हमें भी पता लगेगा शब्दों से कहना क्या चाहते हैं शब्द है उपशम श्रेणी और एक शब्द है शपक श्रेणी अर्थात जहां पे कर्मों का उपशम हुआ होगा वो तो उपशम श्रेणी है और जहां पे कर्मों का क्षय हुआ होगा वो सपक श्रेणी है उपशम का मतलब क्या होता है आदेश उपशम मतलब क्या भैया कर्मों को दबाना कर्मों को दबाना बहुत सुंदर कि जहां पे कर्मों को दबाया जा रहा है वो तो हो गई उपशम श्रेणी और जहां पे कर्मों का अभाव किया जा रहा है वो कौन सी हो गई वो हो गई शपक्ष श्रेणी जो छाइक चा, शब्द से हम जिसको बराबर कहते हैं शाइक तो भाव बराबर हो गया अभी श्रेणी कौन सी है शपक श्रेणी और एक होती है उपशम श्रेणी देखो इसको आप शब्द चार्ट के माध्यम से देखोगे तो और समझ में आएगा देखो क्या लिखा चारित्र मोहिनी की अप्रत्याख्यानावरण आदि 21 प्रकृतियों के उपशम अथवा करने हेतु मुनिराजों के विशिष्ट प्रकार की विश्धता की उत्पत्ति व वृद्धि को जिनागम में श्रेणी संज्ञा दी गई है मतलब जो चारित्र मोहिनी है क्योंकि अब चारित्र की बात ही चलेगी क्योंकि जो दर्शन मोहिनी है उसका काम तो हम पहली बराबर कर कर आ चुके हैं दर्शन मोहिनी का अभाव किया था तभी तो चौथे गुणस्थान में कदम रखा था अब तो मुख्यतः चारित्र की ही बात चलेगी चारित्र मोहिनी की ही तो उसकी जो कर्मों की इक्कीस प्रकृतियां हैं या तो उसका उपशम होगा अर्थात या तो उसको दबा दिया जाएगा या उसका क्षय कर दिया जाएगा तो इसके हेतु जो मुनिराजों के विशिष्ट परिणाम होते हैं उन विशिष्ट परिणामों के माध्यम से जो आत्मा की शुद्धि की उत्पत्ति और वृद्धि होती है उसको जिनागम में श्रेणी शब्द बराबर कहा जाता है तो ये श्रेणी कितने प्रकार की होती है ये श्रेणी तो दो प्रकार की होती है पहली श्रेणी कौन सी है तो जहां पे मेरा कर्सर है पहली श्रेणी है उपशम श्रेणी दूसरी श्रेणी है शपक श्रेणी इसका मतलब क्या कि जो मुनिराज सातवें गुणस्थान से आगे बढ़े हैं अर्थात सातिशे वाले जो मुनिराज हैं अब उन्होंने एक मुनिराज ने उपश्रम श्रेणी चढ़ी और एक मुनिराज ने श्रपक श्रेणी चढ़ी तो जिन मुनिराज ने उपश्रम श्रेणी चढ़ी है तो उपश्रम श्रेणी के चार गुणस्थान है पहला आठवां गुणस्थान दूसरा नौवा गुणस्थान तीसरा दसवां गुणस्थान और चौथा ग्यारवा गुणस्थान आपको पता है ग्यारहवे गुणस्थान का नाम क्या है ग्यारहवे गुणस्थान का नाम है बारहवे का और ग्यारह का उपशांत मोह अब देखिए उपशांत नाम से समझ में आएगा उपशांत और यहाँ पे बारहवे का क्या है क्षीण क्षीण मोह जहाँ पे मोह क्षीण हो चुका अर्थात मोह बचा ही नहीं है और ग्यारहवे का है उपशांत मोह जहां पे अभी उपशमित है दबा हुआ है कभी भी उदय को प्राप्त हो सकता है याद कीजिए हमने एक बार उदाहरण देखा था आ, सोता हुआ शेर और मरा हुआ शेर जो सोता हुआ शेर है वो अभी मरे हुए के समान ही है लेकिन भैया सोया हुआ है अगर जाग गया तो भागना पड़ेगा ताकत तो उसमें उतनी है ना लेकिन जब तक सो रहा है तब तक मरे के समान है अब देखिये यहां पे जो मुनिराज उपशम श्रेणी चढ़े हैं तो उनके चार गुणस्थान बनेंगे आठवा नौवा दसवा और ग्यारह और जो मुनिराज श्रपक श्रेणी चढ़े हैं उनके लिए कौन से गुणस्थान होंगे तो होगा और बारवा ग्यारवा गुणस्थान नहीं होगा ग्यारहवा गुणस्थान किसके लिए होगा कि जो उपशम श्रेणी चढ़े हैं उनके लिए ही ग्यारवा गुणस्थान है जो श्रपक श्रेणी चढ़े हैं उनके लिए तो बारवा गुणस्थान है मतलब दस के बाद सीधा उनका नंबर बारहवें पे आएगा ग्यारहवे पे नहीं आएगा अरे क्यों क्योंकि क्यों जो ग्यारवा गुणस्थान है वो तो गिरने का गुणस्थान है एक तरीके से क्यों क्योंकि क्यों निश्चित रूप से ग्यारहवें गुणस्थान में आके जीव नीचे गिरेगा ही गिरेगा या तो जीव की आयु पूरी हो जाएगी या गुणस्थान का काल पूरा हो जाएगा बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में एक साथ घूम रही है कि जब हम आगे जाके ग्यारवा और बारवा गुणस्थान देखेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में आज तो हमें मात्र दसवें गुणस्थान तक का विषय देखना है अभी तो हम सातवा गुणस्थान बराबर समझ लें बढ़िया तरीके से दो श्रेणी है एक है उपशम श्रेणी एक है शपक श्रेणी उपशम श्रेणी के चार गुणस्थान है आठवा नौवा दसवा और ग्यारहवा शपक श्रेणी के भी चार गुणस्थान है आठवा नौवा दसवा और बारवा ग्यारहवा गुणस्थान नहीं है अब कोई सोचे कि मुनिराज सोच समझ के चलते होंगे क्योंकि उनको पता है कि देखो ग्यारहवें गुणस्थान से तो जीव नीचे चुप होगा ही होगा और बारहवें गुणस्थान से जीव आगे बढ़ेगा तो मुनिराज तो कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि वो नीचे गिरे गुणस्थान में अर्थात उनके परिणाम नीचे जाए सब चाहेंगे कि सब शपक श्रेणी ही चढ़े लेकिन भैया ये कौन सी श्रेणी चढ़े ये हमारे हाथ में नहीं है अगर हमारे हाथ में होता तो सभी के सभी मुनिराज श्रपक्ष श्रेणी ही चढ़ते कोई भी उपशम श्रेणी चढ़ता ही क्यों कोई भी दसवें गुणस्थान से ग्यारवे गुणस्थान में कदम रखता ही क्यों कोई नहीं रखता लेकिन ये परिणाम है किसके साथ कब कैसा हो रहा है किसी को कोई भरोसा नहीं है वो मुनिराज तो मात्र अपनी आत्मा में लीन रहते हैं जो कर्मों की उथल पुथल होनी है वो कर्मों में हो रही है वो मस्त अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं कर्मों का उपशम हो रहा हो कर्मों का क्षय हो रहा हो जो हो रहा है वो कर्म में हो रहा है मेरे में नहीं हो रहा इतनी बढ़िया बात है कर्म का उदय कर्म में आता है मेरे में नहीं आता मतलब जितने ज्ञानी जन हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है कभी कभार सोचिए तो हम अज्ञानी हैं और कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी अज्ञानी में डिफरेंस क्या है अरे दोनों के थॉट प्रोसेस में अंतर है दोनों बिल्कुल हम क्या बात कर रहे थे कि मात्र परिणामों में अंतर है कि कब कैसे परिणाम बराबर हो जाए किसका क्या भरोसा हम तो मात्र अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहे कर्मों का उपशम हो रहा है कर्मों का क्षय हो रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं है कर्म का उदय कर्म में आता है मेरे में नहीं आता हम अब जब जैसा विश्वास कर लेंगे तो भैया ज्ञानी तभी सुखी बराबर रहता है बात क्या है कि वस्तु तो वैसी ही है वस्तु को देखने का नजरिया ही तो बदलना है अभी हमारे पास नज़रिया नहीं है देखने का बहुत सुंदर सी छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगेगी सुनकर कि नज़रिया कैसा होना चाहिए एक बार एक सेठानी सेठ जी के पास आई और कहती है कि सेठ जी हमारे घर के बाहर कोई गाय छोड़ के गया है सेठ जी बहुत खुश हुए अच्छा गाय छोड़ के गया है तो अब तो हमें दूध पीने को मिलेगा खूब अब तो दूध ही दूध पियेंगे खुश हो गए सेठ जी बहुत ज़्यादा एक हफ्ते बाद सेठानी दोबारा आई कि जो हमारे घर के बाहर गाय छोड़ के गया था वो अपनी गाय वापसी ले गया सेठ जी बहुत खुश हुए सेठ जी ने कहा क्या कहा आप सेठानी ने कहा आप इतने खुश क्यों हो रहे हो सेठ जी ने कहा कि अब मैं गोबर उठाने से बच जाऊंगा पॉइंट समझ में आया वस्तु को कैसे देखा जा रहा है ये हमारा नजरिया है गोबर जब गायें दूध दे रही थी तब भी गोबर दे रही थी और गोबर भी साथ में दे रही थी लेकिन उस समय सेठ जी ने गोबर को मुख्य नहीं किया सेठ जी ने दूध को मुख्य किया अब गाय चली गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते अब उसको ऐसे देखो कि भैया अब हम गोबर उठाने से बच गए जो चीज हो रही है उसको बस एक्सेप्ट करें हमें मात्र वस्तु को देखने का नजरिया चाहिए ज्ञानियों को संसार के देखने का नजरिया आता है उनको वस्तु को देखने का नजरिया आता है तो वे प्रसन्न बराबर रहते हैं तो देखो हम तो यहाँ पे बात कर रहे थे उपश्रम श्रेणी की और शपक श्रेणी की तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ये उपश्रम श्रेणी का और शपक श्रेणी का कि उपश्रम श्रेणी के भी चार गुणस्थान है और शपक श्रेणी के भी चार गुणस्थान है नीचे लिखा है कि चारित्र मोहिनीय कर्म का उपशम करते हुए आगे बढ़ना और चारित्र मोहिनीय का क्षय करते हुए आगे बढ़ना शपक में क्षय है और उपशम में उपशम है कर्मों का उपशम बराबर चलिए ये तो हुआ हमारा सातवां गुणस्थान अब अगले गुणस्थान की ओर आगे बढ़ते हैं अगले गुणस्थान का नाम है अपूर्व करण गुणस्थान क्या है अपूर्व करण गुणस्थान शब्दों से समझते हैं सबसे पहले अपूर्व माने क्या होता है अपूर्व माने नया नया अपूर्व माने नया नया क्या नया नया तो नया नया करण करण माने क्या होता है करण मतलब होता है परिणाम करण का मतलब क्या होता है परिणाम अर्थात नए नए परिणाम अपूर्व अपूर्व परिणाम जहां होते हैं उसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं ये सरल शब्दों में अर्थ है अभी इसका परिचय देखते हैं क्या लिखा आठवें गुणस्थान का संक्षेप में नाम अपूर्वकरण है तथा पूरा नाम अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत है देखो कितना बड़ा नाम है अपूर्वकरण प्रविष्ट शुद्धि संयत चारित्र मोहिनीय कर्म की शक्ति को दबाने या फिर पूर्णतः नष्ट करने की शुरुआत यहीं से होती है पॉइंट टू बी नोटेड अभी अभी हमने देखा उपश्रम श्रेणी और शपक श्रेणी तो उपश्रम श्रेणी का पहला गुणस्थान कौन सा है आठवा गुणस्थान है शपक श्रेणी का पहला गुणस्थान कौन सा है तो आठवा गुणस्थान है तो लिखा चारित्र कर्म की शक्ति को दबाने दबाने की बात मतलब उपश्रम श्रेणी तो या फिर पूर्णतः नष्ट करने की नष्ट कहां होगा शपक श्रेणी में तो उसकी शुरुआत कहां से होती है इसी आठवें गुणस्थान से होती है यह गुणस्थान पंचम काल में नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ कि पंचम काल की उत्कृष्ट क्या है कि छठा सातवा गुणस्थान कोई भी पंचम काल में कोई भी जीव मनुष्य गति का जीव जो कोई पुरुष बराबर होगा वे छठे सातवें गुणस्थान तक ही मैक्सिमम जा सकते हैं आठवें गुणस्थान पंचम काल में नहीं बनता सामान्य अर्थ देखते हैं क्या लिखा अपूर्व करण में दो शब्द हैं अपूर्व प्लस करण अथवा अ प्लस पूर्व प्लस करण जिसमें अ माने नहीं पूर्व माने पहले और करण माने परिणाम अर्थात ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए उसका नाम अपूर्व करण है अथवा इसका पूरा नाम अपूर्व करण प्रविष्ट शुद्धि संयत है जिसका अर्थ अपूर्व माने पहले कभी नहीं हुए करण माने परिणाम प्रविष्ट माने प्रकृष्ट रूप से विद्यमान शुद्धि माने शुद्ध दशा शुद्धोपयोग से सहित संयत माने शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक्तता लीन सहित इसका मतलब यही सीधी बात कहना चाहते हैं कि ऐसे परिणाम अर्थात अपनी आत्मा की शुद्धि के ऐसे परिणाम जो आज तक प्रकट नहीं हुए और अब प्रकट हुए हैं तो वो हो गए अपूर्वकरण गुणस्थान अर्थात अपूर्वकरण गुणस्थान में ऐसे परिणाम होते हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं हुए क्योंकि आज से पहले आत्मा की शुद्धि ऐसी हुई नहीं है इसलिए ऐसे परिणाम भी बराबर नहीं हुए तो ये इसका पूरा नाम हुआ इसका अगर लक्षण समझना हो तो बहुत सरल लक्षण है तीन बिंदुओं में दिया है देखिए क्या लिखा पहला ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए क्योंकि तो अपूर्वकरण नाम है तो पहले कभी नहीं हुए उन परिणामों को अपूर्वकरण कहते हैं और इन परिणामों सहित जीव की अवस्था का नाम अपूर्वकरण गुणस्थान है बोलो आदेश भैया वो परिणाम कौन से जो, जो पहले कभी नहीं हुए वो आत्मा की शुद्धि के परिणाम जो आज तक नहीं हुए शुद्धि के भैया जब उनको दशा अच्छा प्राप्त हुई तब तो हुए थे हुए थे हम नहीं कह रहे कि नहीं हुए थे लेकिन अब सिनारी बदल गया है ना अब श्रेणी चढ़े हैं श्रेणी चढ़े हैं तो श्रेणी चढ़ते हुए अब वो परिणाम हो रहे हैं जो अभी तक कभी हुए ही नहीं थे धीरे धीरे अब हमारे कर्म गलते जा रहे हैं खत्म होते जा रहे हैं कुछ कर्मों का उपशम होता जा रहा है कुछ का क्षय होता जा रहा है तो अपूर्वकरण आज तक ऐसे जो परिणाम नहीं हुए थे वैसे जहां परिणाम हो रहे हैं तो कि, क्योंकि यहाँ पे शब्द दिया था प्रविष्ट संयत अर्थात प्रविष्ट शुद्धि संयत कि ऐसे आत्मा में शुद्धि के परिणाम विद्यमान है जो आज तक कभी प्रकट नहीं, नहीं हुए ऐसे परिणाम सहित जीव अपूर्वकरण गुणस्थान में बराबर रहता है दूसरा बिंदु संजलन कषाय के मंदोदय मंदोदय माने ब्रैकेट में दिया मंद तर उदय होने पर जो अपूर्व परम आह्लाद रूप सुख के अनुभव रूप परिणाम है उसे अपूर्व करण कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड लिखा है मंद तर उदय मंद तर उदय छठवे गुणस्थान में संजलन कषाय का तीव्र उदय था आप लिख सकते हैं इन बिंदुओं को आपको तभी ये विषय बराबर याद रहेगा छठ चट... कोई पूछ सकता है कि छठवें गुणस्थान में संजलन कषाय के कैसे परिणाम रहते हैं तो तीव्र रहते हैं कोई पूछे कि सातवें गुणस्थान में संजलन कषाय के परिणाम कैसे रहते हैं तो आपको कहना है मंद रहते हैं कोई पूछे आठवें गुणस्थान में कैसे रहते हैं तो मंद तर रहते हैं मतलब एक होता है मंद और मंद से भी जिसको कम कहेंगे वो हो गया मंद तर जैसे कि क्वालिटीज होती है ना हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सुपरलेटिव क्वालिटीज कंपेरेटिव क्वालिटीज जैसे गुड बेटर बेस्ट तो गुड बेटर और बेस्ट क्वालिटीज हैं ऐसे ही मंद में भी क्वालिटीज हैं मंद मंद तर और मंद तम मंद तो हो गया बहुत ज्यादा मंद तर मंद से और कम हो गया और मंद तम और कम हो गया मंद तर से मतलब पहले तीव्र अगर आप देखो ऊपर से देखो तीव्र मंद मंद तर और फिर मंदतम ऐसे चलते हैं तो आठवें गुणस्थान में क्या है आठवें गुणस्थान में जीव के परिणाम मंद तर, तर। अपूर्वकरण नाम का गुणस्थान है तो संजलन कषाय के मंदो दे मंदोदय दे माने मंद तर उदय जहां पर होता है तब ये सात आठवा गुणस्थान बराबर बनता है तीसरा बिंदु क्या दिया जहां समय जहां समय जीवों के परिणाम समान और असमान तथा भिन्न वर्ती समय जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं उसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं ये तीसरा बिंदु क्या कह दिया कुछ समझ में नहीं आया देखो तीसरे में क्या कहा जहां सम समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान होते हैं मतलब कि कुछ जीवों ने सातवें गुणस्थान से आठवें गुणस्थान में कदम रखा है तो भैया वहां पे तो सबके परिणाम समान ही होंगे लेकिन कुछ ने कुछ समय पहले आठवें गुणस्थान में कदम रखा था कुछ लोगों ने कुछ समय बाद रखा था तो अब वहां पे सबके परिणाम अपूर्व अपूर्व होंगे सबके परिणाम अलग अलग होंगे भिन्न भिन्न होंगे और नए नए होंगे पॉइंट समझ में आ रहा है हमने एक साथ एक क्लास में एंट्रेंस ली तीन बच्चों ने एक साथ क्लास में एंट्रेंस ली तो सबका टाइम एक ही नोट होगा ना सबका टाइम एक ही नोट होगा लेकिन अगर तीन बच्चों ने अलग अलग क्लास में एंट्रेंस ली गया गया। एंटर क्लास में किए हैं तो सबके परिणाम अलग अलग होंगे एक साथ आठवें गुणस्थान में प्रवेश किया है तो समयवर्ती जीवों के परिणाम तो समान है और जिन्होंने अलग अलग समय में एंट्रेंस ली है तो उन सबके परिणाम अलग अलग भिन्न भिन्न बराबर रहते हैं आदेश भैया सम समय वर्ती मतलब सम माने समान समान समय वर्ती एक ही समय पर जिन्होंने उस गुणस्थान में प्रवेश किया हो ठीक है जैसे एक क्लास में तीन बच्चों ने एक साथ एंट्रेंस ली तो वो सम समान हो गया एक ही समय पे सब एक साथ उस गुणस्थान में उस कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं तो समयवर्ती जीवों के परिणाम समान होंगे और असमान तथा भिन्न समय वर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं उसे अपूर्वकरण गुणस्थान कहते हैं इतना समझ में आया सभी को हाँ जी ना जी जिन लोगों की वीडियो ऑफ है उन तक मेरी बात पहुंच रही है क्योंकि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कितनी बार क्योंकि ये जितना विषय है बहुत सूक्ष्म विषय है अगर हम अपने उपयोगों को इधर उधर घुमाएंगे तो हो सकता है विषय हमारा मिस हो जाए दिया समझ में आ रहा है सब कुछ है? ये सारा इसी अंतर मुहूर्त में होता है ये अगर देखा जाए तो प्रत्येक गुणस्थान का काल भी मुहूर्त हो सकता है और चौदह के चौदह गुणस्थानों का काल मिलाकर भी अंतर मुहूर्त हो सकता है अभी इसमें बहुत सारे मतलब मतलब जैसे जैसे दर्शन हो गया, जी उसके मतलब, उसके बाद बाद गुणस्थान में मतलब साधु बन गए तो उसके बाद एक ही अंतर मुहूर्त में सब हो जाता है नहीं तो वापस में गुणस्थान नीचे गिर जाता है देखिए अंतर मुहूर्त में अंतर मुहूर्त भी बहुत तरीके के होते हैं जैसे कि एक हम कहते हैं एक मिनट एक मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है दो मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है पांच मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है दस मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है बीस मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है पच्चीस मिनट का भी अंतर मुहूर्त होता है तो अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद बराबर बन सकते हैं अगर फोर्टी एट मिनट का अंतर मुहूर्त होता है वो मतलब फोर्टी एट मिनट्स का तो मुहूर्त होता है फोर्टी एट मिनट में दो समय कम का अंतर मुहूर्त होता है बराबर अब इसके अंदर क्या है हमने अंतर मुहूर्त शब्द तो याद कर लिया लेकिन जब भी हम अंतर मुहूर्त की बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में हमेशा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त घूमता है मतलब 48 मिनट में दो समय कम अरे दस मिनट भी अंतरमुहत है बीस मिनट भी अंतर मुहूर्त है चालीस मिनट भी अंतर मुहूर्त है।, है 45 मिनट भी अंतर मुहूर्त है मतलब अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद बराबर हो सकते हैं मैं तो ये बात कह रहा था आप लोगों से जो आपका प्रश्न बराबर बना प्रत्येक गुणस्थान का काल काल अपने में भी भी अंतर अंतर मुहूर्त मुहूर्त हो हो सकता सकता है है और सभी गुणस्थानों का काल मिला लिया जाए तो भी अंतर हो सकता है। कोई जीव बहुत पुरुषार्थी है उसने अपना गलाया मुनि अवस्था धारण की और मुनि अवस्था धारण करके अपने उपयोगों को अपनी आत्मा में लगाया और लगाते लगाते गुणस्थान की श्रेणी चढ़ते गए चढ़ते गए शपक श्रेणी पकड़ी शपक श्रेणी के छठवा नौवा दसवा बारहवा गुणस्थान पकड़ा बारहवें से तेरवा चौदह और फिर सिद्ध बन गए बराबर में लगाना चाहे तो भैया एक एक साल भी बाहुबली भगवान को एक साल लगा या नहीं लगा एक साल कठिन तपस्या की या नहीं की तो इतना लंबा समय भी बराबर लग सकता है मतलब जब आप इसके पैरामीटर्स देखेंगे तो एक इसमें विषय आता है काल की अपेक्षा गुणस्थान तो उसमें बताया जाता है कि पहले गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना है जघन्य काल कितना है चौथे गुणस्थान का उत्कृष्ट काल कितना है हर गुणस्थान का काल बताया जाता है अभी उस विषय में हम नहीं जा रहे क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा इसमें जब जब मुनि मतलब जैसे ध्यान छठे गुणस्थान में तो पूरे दिन ध्यान में नहीं रहते हैं मुनि तो जब जब ध्यान में बैठते हैं तो वो गुणस्थान तब चढ़ते हैं उतरते हैं ऐसा होता है परिणामों का बदलना ही चढ़ना उतरना है परिणाम मतलब तो आत्मा में जाते हैं तो सातवा अच्छा मतलब जैसे ऊटी के तो स्थान चढ़े तो वापस उसी टाइम उतर उतर भी सकते हैं अपनी आत्मा में अंतर मोक्ष का समय है ना अंतर मोक्ष तक अपनी आत्मा में उपलोक नहीं टिका तो छठवा गुणस्थान हो जाएगा और सातवें गुणस्थान के काल से दो गुना काल होता है छठवें गुणस्थान का मतलब जितनी देर अपनी आत्मा में नहीं टिकेंगे उससे दो गुना ज्यादा टाइम छठवें गुणस्थान का काल है बहुत सारी बातें हैं अभी अभी सब विषय में हम एक साथ जाएंगे तो हमें बहुत सारा मिसमैच चीजें हो जाएंगी हमें हम इसी विषय में बराबर रहते हैं अभी अभी तो हम आठवां गुणस्थान बराबर देख रहे हैं तो ये विषय हमारा आठवां गुणस्थान तो पूर्ण चलिए अगले गुणस्थान की ओर आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगर मैं प्रॉपर विषय डिवाइड नहीं करूंगा तो हम इस चैप्टर को कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे हम दस मिनट में आपके ले लू आप सभी के हमारा समय तो पूरा हो गया आपकी आज्ञा हो तो दस मिनट ले लू चलेगा भैया बिल्कुल भैया सबको चलेगा हाँ चले। हाँ नौवा गुणस्थान देखते हैं। नौवे गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान क्या नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान क्या कहता है ये करण गुणस्थान तो देखिए करण का मतलब तो सेम है पहले आठवें गुणस्थान में भी करण शब्द आया था क्या नाम था आठवें गुणस्थान का अपूर्व करण और यहाँ पे भी करण शब्द आया तो करण का मतलब तो सेम है परिणाम जब कभी हमने एक बार एक पाठ पढ़ा था बहुत पहले चार अनियोग चार अनियोग में भी एक अनियोग का नाम क्या है <laughs> उधर हमने करण शब्द के बहुत सारे अर्थ देखे थे करण शब्द का एक अर्थ होता है गणित और एक अर्थ होता है परिणाम कण्णन योग में तो करण शब्द का उधर अर्थ गणित है लेकिन जब हम गुणस्थान के विषय में करण शब्द देखते हैं तो इधर करण शब्द का मतलब परिणाम है गणित नहीं है मतलब एक ही शब्द है एक ही शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ है देखिए गुणस्थान का परिचय क्या लिखा यह नोवा अनिवृत्तिकरण श्रेणी का दूसरे क्रम का गुणस्थान है श्रेणी का दूसरे क्रम का श्रेणी श्रेणी के चार चार गुणस्थान है आठवां नौवा दसवा ग्यारवा आठवा नौवा दसवा बारवा तो आठवा गुणस्थान श्रेणी का पहला पहला है और ये अनिवृत्तिकरण श्रेणी का दूसरा गुणस्थान है अब देखिए क्या लिखा इसके आगे इसे बादर बाद अथवा अनिवृत्ति बादर सांपराय प्रविष्ट शुद्धि संयत भी कहते हैं अब ये कौन सा नया नाम बहुत बड़ा आ गया बादर सांपराय ये बादर सांपराय क्या है अरे कोई घबराने की बात नहीं है दसवें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म क्या है सूक्ष्म कषाय सांपराय माने क्या होती है कषाय दसवें गुणस्थान में तो कषाय सूक्ष्म है क्योंकि नाम क्या है सूक्ष्म सांपराय दसवें गुणस्थान का और नौवे गुणस्थान में नाम पड़ा बादर सांपराय मतलब कषाय है लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म नहीं है बादर है जैसे कि दो तरीके के जीव होते हैं कर्णन योग में जब हम कभी पढ़ेंगे इस विषय को एक होते हैं बादर जीव और एक होते हैं सूक्ष्म जीव सूक्ष्म जीव तो वो होते हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि दीवार को भी आर पार कर जाए और बादर जीव वो होते हैं जो किसी ना किसी से टकरा जाते हैं जैसे हम कैसे जीव हैं हम है बादर। हम दीवार से पार नहीं कर सकते हमारा हाथ ये इस दीवार पे जाकर रुक जाएगा क्यों क्योंकि हम कैसे जीव हैं हम हैं बादर, बादर जीव बादर बादर हमारा बादर हाथ यहाँ पे आके रुक गया अब बादर का मतलब क्या हो गया मोटा मोटा अब मैं अब शब्दों पर आ जाइए सूक्ष्म माने बिल्कुल सूक्ष्म बिल्कुल कम बादर माने ज्यादा अब कषाय सांप्राय माने क्या है कषाय तो जहां कषाय ज्यादा है वो बादर संपराय और जहां कषाय कम है वो सूक्ष्म अब कषाय ज्यादा और कम मैं कह तो रहा हूं लेकिन कषाय कौन सी है, ये? है संजलन अभी हमने देखा था कि छठवें गुणस्थान में संजलन कषाय का तीव्र उदय था सातवें गुणस्थान में संजलन कषाय का मंद उदय था आठवें गुणस्थान में संजलन कषाय का मंद उदय था और अब नौवे गुण में मंदतम हो गए तम मतलब और कम हो गया लेकिन ये मंदतम को भी दसवें की अपेक्षा बादर कहा जा रहा है दसवें की अपेक्षा पॉइंट टू बी नोटेड दसवें की अपेक्षा बादर है वैसे तो अपने में बहुत कम ही बचा है लेकिन दसवें की अपेक्षा तो अभी ज्यादा है ना दसवें को सूक्ष्म कहेंगे लेकिन दसवीं की अपेक्षा ये अभी बादर है इसीलिए इसका नाम बादर सांप्राय यहां पर लिखा है तो इसे बादर सांप्राय अथवा अनिवृत्ति बादर सांप्राय प्रविष्ट शुद्धि संयत भी कहते हैं देखिए आठवां गुणस्थान चारित्र मोहिनी के उपशम या शय की तैयारी का था आठवां गुणस्थान उसकी तैयारी का था किंतु इस नौवे में उपशम अथवा शय का कार्य प्रारंभ हो गया है कि भैया क्या काम करना है शय करना है या उपशम करना है जो उठा पटक चल रही है वो कर्मों में चल रही है पॉइंट टू बी नोटेड मुनिराज तो अपनी आत्मा की अस्थि में मस्ती में मस्त है वो तो अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक मस्त अपनी आत्मा में जो उथल पुथल चल रही है वो कर्मों में चल रही है कि भैया कर्मों का उपशम हो रहा है या शय हो रहा है उनको इससे कोई मतलब नहीं है ना उनको पता लग रहा कि मेरे अंदर कर्मों का उपशम हुआ है या क्षय हुआ है उनको कोई इसका ज्ञान नहीं है वो तो बस अपनी अपनी आत्मा में मस्त है सामान्य अर्थ में दिया अमाने नहीं निवृत्ति माने भेद करण माने परिणाम अर्थात भेद रहित समान परिणाम का नाम करण है अथवा करण का मतलब क्या है भेद रहित समान परिणाम बादर माने स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल बड़ा। माने बड़ा प्राय माने कषाय कषाय प्रविष्ट माने प्रवेश प्राप्त शुद्धि माने शुद्धोपयोग, संयत माने शुद्धात्म स्वरूप में सम्यक्तता लीन अब कह रहे हैं अनिवृत्तिकरण अब इसको समझिए भेद रहित समान परिणाम अब ये भेद रहित समान परिणाम क्या है भेद रहित समान परिणाम अभी आठवें गुणस्थान में तो अपूर्व अपूर्व परिणाम थे लेकिन अब यहां पे जो भी जीव, नोटेड जो भी जीव इस नौवे गुणस्थान में प्रवेश करते हैं उनके भेद रहित सब जीवों के समान परिणाम होते सबके समान सबके कॉमन परिणाम होंगे कॉमन माने कि जो जो जीव उस उस समय में नौवे गुणस्थान में प्रवेश किए हैं सबके परिणाम समान है अब कोई मेरे से आके ये ना पूछे कि भैया वो कौन से परिणाम होते हैं वो परिणाम तो जो अनुभव करते हैं वही जानते हैं कैसे होते हैं क्योंकि जो जीव उसमें जाएगा वही उसका अनुभव बराबर कर सकता है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है खुद खाओ और खुद जान जाओ मेलोडी खाओ ऐसी तो चीज है ये कि अगर अनुभव करना है तो भैया या तो जो जीव अनुभव कर रहे हैं वे जानते हैं यह केवली के ज्ञान में बराबर आता है कि भैया क्या परिणाम बराबर होते हैं कि समान परिणाम रहते हैं तो अमाने नहीं निवृत्ति माने भेद करण माने परिणाम अर्थात जहां पे परिणामों में भेद नहीं पड़ता हो सबके समान परिणाम होते हो उसको करण परिणाम या करण गुणस्थान कहते हैं अर्थात जिन जीवों को होते हैं तो वे जीव इसमें बराबर रहते हैं देखिए इसी को थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तो और विषय की क्लैरिटी होगी लिखा कि जिस अवस्था में एक समयवर्ती एक समय एक ही समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों की विशुद्धि की अपेक्षा भेद नहीं पाया जाता मतलब एक ही समय में अलग अलग जीवों ने प्रवेश किया नौवे गुणस्थान में नाना जीवों ने मतलब अलग अलग जीवों ने एक ही समयवर्ती में एक ही समय में प्रवेश किया तो वहां पर विशुद्धि की अपेक्षा भेद नहीं पाया जाता सबकी विशुद्धि एक ही तरीके की रहती है विशुद्धि में कोई अंतर नहीं है परंतु समय वर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा भेद ही पाया जाता है सीधी सी बात है भिन्न भिन्न समय में अलग अलग समय में नौवे गुणस्थान में जीवों ने प्रवेश किया है तो सबके परिणाम अलग अलग ही पाए जाएंगे उस अवस्था विशेष को अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं फिर कहा कि समान समयवर्ती जीवों के परिणाम की भेद रहित वृत्ति को निवृत्ति व्यावृत्ति कहते हैं और वह निवृत्ति जहां नहीं होती उसे अनिवृत्तिकरण गुणस्थान कहते हैं कि जहां अलग अलग तरीके के परिणाम पाए जाएंगे जहां पे भेद पाया जाएगा तो भेद का नाम ही क्या है भेद का नाम यहाँ पे अनिवृत्तिकरण अनिवृत्ति मतलब भेद नहीं जहाँ पे पाया जा रहा किसी प्रकार का भेद नहीं है तो अनिवृत्ति उसे अनिवृत्ति गुणस्थान बराबर कहते हैं तो ये हुआ हमारा नौवा गुणस्थान अगर नौवा गुणस्थान समझ में आ गया हो तो दसवा गुणस्थान हम बहुत जल्दी समझ लेंगे दसवा गुणस्थान का नाम क्या है दसवें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म क्या है सूक्ष्म सूक्ष्म सांप्राय माने सांपराय मैंने मतलब बताया पहले सांप्राय माने कषाय कैसी कषाय है यहाँ पे सूक्ष्म कषाय है अभी तक तो कषाय हमारी नौवे गुणस्थान में मंद तम हो चुकी थी अर्थात अब संजलन कषाय का उदय बस मंद तम बची थी जाने ही वाली थी और अब यहाँ पे तो बची ही नहीं है भाई क्यों क्योंकि क्यों बची है या नहीं बची वो ना के बराबर है सूक्ष्म बहुत कम है कुछ समय में ही चली जाएगी मतलब संजलन कषाय और यहाँ पे सांप्राय का मतलब भी देखो विशेष है सांप्राय सूक्ष्म सांप्राय सांप्राय मैंने सामान्य अर्थ में तो कह दिया कषाय है लेकिन कौन सी कषाय भैया कषाय तो चार हैं क्रोध मान माया लोभ यहाँ पे मात्र लोभ बचा है कौन सी कषाय बची है यहाँ पे मात्र लोभ बचा है मतलब क्या कि अंत समय तक आते आते जो क्रोध है वो क्रोध मान में बदल जाता है मान माया में बदल जाती है माया आखिरी समय में मात्र लोभ तक बचता है इसीलिए लिख रहे हैं सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान दसवें गुणस्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ का उदय रहता है सूक्ष्म लोभ का धीरे धीरे कषायों का भाव होता जा रहा है अब एक समय ऐसे आएगा आगे आएगा कि अब सभी की सभी कषाएं हमारी आगे जाने वाली है देखो क्या लिखा दसवें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांपराय अथवा पूरा नाम सूक्ष्म प्रविष्ट शुद्धि संयत गुणस्थान है कषाय सहित जीवों का यह अंतिम गुणस्थान है देखो कितनी बढ़िया बात कही कषाय सहित जीवों का यह अंतिम गुणस्थान है मतलब क्या कि ग्यारहवें गुणस्थान में कषाय नहीं है बारहवें गुणस्थान में कषाय नहीं है अर्थात इस दसवें गुणस्थान में संजुलन संबंधी सूक्ष्म लोभ कषाय की सत्ता व उदय पाया जाता है इसे ही सराग अवस्था का अंतिम गुणस्थान भी कह सकते हैं क्योंकि यहीं तक राग है मतलब जहां तक कषाय है वहां तक राग है आगे राग नहीं है आपको पता है ग्यारवा गुणस्थान और बारहवा गुणस्थान पूर्ण वीतरागियों का गुणस्थान है।, वीत है क्योंकि अब यहाँ पे किसी प्रकार का राग नहीं है किसी प्रकार का द्वेष नहीं है किसी प्रकार की कषाय नहीं है ग्यारवा गुणस्थान भी का भी का गुणस्थान गुणस्थान भी अब बस जैसे ही तेरवे में तेरवें से कोई तेरवे गुणस्थान में कदम रखता है तो सर्वज्ञ और बढ़ जाता है तो भगवान बराबर हो जाते हैं लेकिन वीत रागी की शुरुआत तो भैया ग्यारहवें बारहवें में हो जाती है ग्यारहवें भी वीत रागी है बारहवें भी वीत रागी है वो बताला के ग्यारहवें वाले आगे जाएंगे नहीं बारहवें वाले ही आगे गुणस्थानों में कदम रखते हैं देखो क्या लिखा सूक्ष्म माने अत्यंत हीन अनुभाग अब बहुत सारी बातें एकदम आती हैं कि कषाय भी बंद भी चार प्रकार का होता है जब हम देखते हैं प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग वो अभी मैं नहीं बताऊंगा लेकिन अत्यंत हीन अनुभाग अनुभाग मतलब क्या होता है कषायों के फल दान देने की सामर्थ्य शक्ति किसमें कितनी ताकत है वो हो गया अनुभाग तो अब अत्यंत हीन अनुभाग का कषाय बची है वो भी कौन सी बची है लोभ बची है जिस गुणस्थान में कषाय अत्यंत सूक्ष्म, हो गई बहुत कम बची हो वह सूक्ष्म है अथवा सूक्ष्म माने अत्यल्प अनुभाग सांप्राय माने कषाय प्रविष्ट माने प्रकृष्ट रूप से विद्यमान शुद्धि माने शुद्ध दशा अथवा शुद्धोपयोग से सहित और संयत माने रत्नात्रय युक्त व आश्रव आदि से रहित परिणाम अर्थात अब यहाँ पे किसी प्रकार का कषाय बची है लेकिन ना के बराबर कषाय सूक्ष्म कषाय अरे बची ही कहाँ है अब अब तो ना के बराबर है संजलन कषाय को तो वैसे भी नेमी चंद्र आचार्य ने गोमठ सार में क्या कहा कि भैया पत्थर पे खींची गई लकीर के समान है सॉरी पत्थर पे लकीर नहीं पानी पे, पे खींची गई रेखा के समान है पानी पे खींची गई रेखा कितनी देर रहती है अरे जैसे जैसे खींचते खत्म हो जाती है और यहाँ पे तो संजरण कषाय का उदय ही कितना बचा है बस सूक्ष्म लोभ बची है वो जाएंगे तो पूर्ण गीत रागी हो जाएंगे देखो अंतिम स्लाइड उसके बाद अपना विषय यहाँ पे पूर्ण करेंगे इस गुणस्थान का स्वरूप एवं लक्षण क्या लिखा कि जीव की वह अवस्था जो सूक्ष्म लोभ के वेदन से युक्त तथा यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं अर्थात यहाँ पे अभी जो चारित्र है वो यथाख्यात चारित्र से कुछ ही कम है चारित्र भी चार प्रकार का होता है स्वरूपाचरण चारित्र देश चारित्र सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र तो यथाख्यात चारित्र से कुछ ही कम क्यों क्योंकि अब जब आगे के गुणस्थान आएंगे तो वहां पर यथाख्यात की पूर्णता होगी अभी यथाख्यात यथाख्यात अभी यथा चारित्र की पूर्णता क्यों नहीं हो पा रही क्योंकि अभी कषाय बची है कौन सी कषाय बची है अभी संजन संजन कषाय में भी सूक्ष्म लोभ बचा है जिसके कारण से अभी यथाख्यात चारित्र पूर्ण नहीं हो पा रहा आगे लिखा कि एक वर्ष

अर्थात संपूर्ण किसी प्रकार की कोई कषाय पाई ही नहीं जाएगी सकल चारित्र में देखो सकल चारित्र में भी संजन कषाय है सकल चारित्र छठवें गुणस्थानवर्ती जीवों को छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीवों को सकल चारित्र होता है लेकिन कषाय कौन सी है संजन कषाय भी है लेकिन अब जहां पे संजन कषाय भी नहीं बची वहां यथा क्या चारित्र होगा आखिरी लाइन लिखी कि सूक्ष्म कषाय को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं उसमें जिन संयतों की शुद्धि ने प्रवेश किया है उसे सूक्ष्म सांपराय प्रविष्ट शुद्धि संयत कहते हैं मतलब जिन संयमों ने इस तरीके के परिणामों में प्रवेश किया है उन जीवों का गुणस्थान ये दसवा गुणस्थान होता है जिसका नाम है सूक्ष्म सांपराय मतलब सूक्ष्म कषाय अर्थात सूक्ष्म कषाय प्रविष्ट जिसने प्रवेश किया है शुद्धि संयत तो शुद्धि संयत तो शुद्धि पता है संयत माने जो बराबर है विशुद्धि सहित तो ये हमने कुल मिला के यहाँ पे दसवें गुणस्थान का विषय वस्तु यहाँ पे पूर्ण की कल के दिन कल भी हम अपनी क्लास बराबर लगाएंगे हमारी वैसे दो ही दिन होती है वे थर्सडे कल तो सभी आए नहीं कल कल एक ही थी दिया तो सब होली मना रहे थे पता नहीं क्या कर रहे थे इसके बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं बराबर लेकिन कल भी हम कक्षा बराबर लगाएंगे और कल हम सभी गुणस्थानातीत होंगे अर्थात कल तक हमें सिद्ध बनना है चार गुणस्थान हमारे शेष है ग्यारहवा बारहवा तेरहवा और चौदहवा फिर गुणस्थानातीत तो हम सभी गुणस्थानातीत कल होंगे तो इस विषय को हम कल पूर्ण करेंगे अभी तक कोई प्रश्न आपका हो इस विषय से संबंधित तो आप मेरे से अभी बराबर पूछ सकते हैं भैया जी वो सूक्ष्म तो, सूक्ष्म लोभ में लोभ किस तरह का लोभ होता है उनको अब वो यही सारे जितने विषय हैं सब केवल ज्ञान गम में है क्योंकि अब तक तो अपनी आत्मा में लीन है सातवें गुणस्थान और सातवें से आगे जितने गुणस्थान आप बढ़ते जा रहे हैं उसमें अपनी आत्मा में लीन है बाहर आते ही नहीं है अब प्रश्न हमारा भी उपस्थित होता था जब हमें पढ़ाते थे कि वो कौन सा सूक्ष्म लोभ होगा वो कौन सा लोभ का कौन सा लालच बराबर हो सकता है वो सारा का सारा ऐसे ही विषय है जो केवल ज्ञान गम में है okay. वो केवल ही जानते हैं वो कैसा सूक्ष्म लो बराबर होता होगा अच्छा भैया एक कंफ्यूजन था उस दिन भी जब भैया ने क्लास ली थी तो कि सातवें गुणस्थान का जीव पहले गुणस्थान तक गिर के जा सकता है पर एक मिथ्या दृष्टि जीव जो होता है वो तीसरे गुणस्थान तक ही जाता है पहले गुणस्थान पहले गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जाते कौन नहीं जाता मतलब पहले में मतलब जैसे कोई जीव है आ, वो तो पहले में ही है। बात लेकिन अगर तीसरे से आ गए तीसरे में आ गए तीसरे तक आ गए तो फिर वो गिर के पहले में जा सकते आ, तीसरे गुणस्थान से गिर के पहले में भी जा सकते हैं उस दिन कुछ बात बोली थी मुझे याद नहीं आ रही मैंने शायद लिखी होगी मैं देख के बताऊंगी आपको भैया ने तो थोड़ा सा में लिख देना दे में दे <coughs> कहाँ <कि हम कल coughs> गमन होता है कहाँ से, से आगमन होता है बहुत सारी बातें तो थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था मतलब गिर के जीव इधर जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा था मैं आपको बताऊंगी सोच के एक बार चलिए अभी की बात को हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं जितने अभी हम पढ़ रहे सब ट्रेलर है गुणस्थान गुणस्थान का गुनस्थान बहुत डिटेल्ड विषय है हम इतनी जल्दी इसको कवर कर नहीं सकते मैं चार गुणस्थान पे कवर कर ली क्योंकि हमें तो अभी कोर्स कवर करना है क्योंकि आपके एग्जाम की परीक्षा भी बना रहेगी लेकिन स्वाध्याय की दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है ये बहुत सारी बातें हैं इसमें कभी समय कभी बाकी कभी समय मिलेगा तो हम समय विषय को देखेंगे अभी के लिए तो सभी को सादर जय जैश कल इसी समय हम बराबर मिलेंगे I <sighs>